सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है प्राइम शतक का। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक को पीएम मोदी ने किया संबोधित, बोले भारत ग्लोबल साउथ की आवाज। पीएम मोदी और यात्रा बनेंगे भाजपा के चुनावी सारथी, तेलंगाना कर्नाटक के बाद अन्य राज्यों की तैयारी। स्टालिन के जन्मदिन पर बनी 2024 की रणनीति, खड़गे अब्दुल्ला बोले मिलकर चुनाव लड़े पीएम बाद में तय करेंगे। राम रहीम पर मेहरबान हरियाणा सरकार, हाईकोर्ट में जवाब, डेरा प्रमुख हार्डकोर क्रिमिनल नहीं, ना ही सीरियल किलर। मनीष सिसोदिया को कथित झूठे आरोपों में फंसाने पर भड़की दिल्ली सरकार, घर घर में बताएगी केंद्र की साजिश। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन का बड़ा बयान, बोले तीसरे मोर्चे के बारे में विचार करने का कोई फायदा नहीं, मिलकर लड़ना होगा। केरल के स्थानीय निकाय चुनाव, उपचुनाव के आए नतीजे, वाम लोकतांत्रिक मोर्चा ने राज्य में अपना दबदबा कायम रखा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बोले संसद देश के भविष्य को सही मार्ग पर ले जाने का माध्यम, आचरण से मिसाल कायम करनी होगी। सीएम एकनाथ शिंदे पर अपमानजनक टिप्पणी, उद्धव गुट के कार्यकर्ता पर एफआईआर दर्ज। अमानतुल्लाह खान को राहत कोर्ट ने वीडियो का जिक्र कर कहा, नागरिकों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन की इजाजत है। कोलकाता में गंगा किनारे वाराणसी की तरह शुरू होगी भव्य गंगा आरती, सीएम ममता करेंगे उद्घाटन। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी बोले ऐसी दुनिया को बनते हुए नहीं देख सकता जहां लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं नहीं हो। पश्चिम बंगाल में सांस के संक्रमण से 7 बच्चों की मौत, एडिनो वायरस से मौत की आशंका। तिरुपति मंदिर में दर्शन के लिए फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी शुरू, मंदिर की फ्री सेवाओं का दुरुपयोग रोकने के लिए फैसला। ड्रोन की फॉरेंसिक स्टडी से हिला देश, बीएसएफ के जवानों ने अमृतसर बॉर्डर पर गिराया था, चाइना में भी भर चुका है उड़ान। होली पर योगी सरकार का तोहफा, यूपी में नहीं होगी बिजली कटौती, यूपीसीएल ने जारी किया निर्देश। मथुरा पहुंची जयाप्रदा, बोली अब खत्म हुआ आजम का खेल, उमेश पाल और हत्याकांड, रामचरितमानस पर भी बात कही है। बजट चर्चा में सीएम योगी ने अखिलेश पर कसा तंज, कहा आप घोषणा करते थे, हम संकल्प लेते हैं, उन्हें पूरा करते हैं। सपा विधायक इरफान सोलंकी की संपत्तियों पर प्रशासन की कार्रवाई जारी, मुंबई का फ्लैट भी होगा सीज।
ब्रजेश पाठक के बयान से राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी। गाजीपुर के सपाइयों का भाजपा पर वार, बोली भाजपाइयों का आपराधिक इतिहास है। गाजियाबाद में ठेकेदार की मौत, बेटा बोला पुताई के पैसे मांगने पर दो पुलिस वालों ने पीटा, एक महीने बाद तोड़ा दम। कानपुर में पिकअप पलटने से तीन की मौत, पांच घायल, ड्राइवर को झपकी आने पर गाड़ी पेड़ से टकराई, जालौन से फतेहपुर जा रहे थे। शादी के 24 घंटे अंदर दुल्हन की मौत बनी, आगरा में दूल्हा बोला गोद में उठाकर विदा कराए, सोचा नहीं था। बरेली में कुत्तों ने नोच नोच कर मासूम को मार डाला, घर के बाहर खेल रही बच्ची को 100 मीटर तक घसीटा। कानपुर में मंदिर पर कब्जे में तोड़फोड़ पर बवाल, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने खदेड़ने पर पुलिस ने इससे झड़प की है। शादी के 17 दिन बाद नवविवाहिता का मिला शव, मायके वालों ने लगाया दहेज का हत्या का आरोप, 9 फरवरी को हुई थी शादी। देवरिया जेल से बदमाश ने भाजपा नेता को दी धमकी, बोला सजा का समय हो गया है पूरा। पारिवारिक विवाद में युवक ने लगाई फांसी, मेरठ में सुबह पेड़ पर लटका मिला, रात से गायब था। पेपर खराब होने पर 10वीं की छात्रा ने की आत्महत्या, फंदे से लटकता मिला शव, मां बोली एग्जाम देकर लौटने के बाद से ही गुमसुम थी। भदोही में युवक ने की आत्महत्या, भाई की ससुराल में किचन में लटकता मिला शव, घर पर सास के अलावा कोई नहीं था। प्रयागराज में खराब तेल के सेवन से तीन की मौत, स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में पांच लोगों का इलाज चल रहा है। त्योहारों के मद्देनजर गौतम बुद्ध नगर में धारा 144 31 मार्च तक बढ़ाई गई है धारा, नियमों का उल्लंघन करने पर होगी कार्यवाही। क्रेनों में सड़क पर युवक का शव रखकर प्रदर्शन, परिजन बोले हत्या कर सड़क पर फेंका गया, डेढ़ घंटे तक लगा रहा जाम। मुजफ्फरनगर में बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या, बदमाशों ने घर के गेट पर बुलाया, फायरिंग कर भाग निकले। फतेहपुर में हाईस्कूल की छात्रा ने फांसी लगाकर दी जान, नकल करवाने के लिए छात्र कर रहे थे परेशान, कॉपी में रख देते थे रुपए। देवरिया में यूपी बोर्ड परीक्षा में बैठा मुन्ना भाई गिरफ्तार, दूसरे की जगह दे रहा था एग्जाम, परीक्षार्थी को किया गया रेस्ट की। आजमगढ़ में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग मामला, मासूम को बरेली में बेचने आया आरोप, तीन आरोपी गिरफ्तार। अंबेडकर नगर में नहीं पूरा हुआ धान खरीद का लक्ष्य, पिछली बार की तुलना में इस बार 87% नहीं हो सकी खरीद। बरेली की सेंट्रल जेल से जुड़े उमेश पाल हत्याकांड के तार, बरेली जेल में बंद है बाहुबली अतीक का पूर्व विधायक भाई अशरफ। सहारनपुर में दो भाइयों सहित तीन को 5 साल की सजा, 2011 में जमीन विवाद में 4 लोगों ने किया था हत्या का प्रयास।
सोनभद्र के निजी अस्पताल में महिला की मौत, हंगामा, परिजनों का गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप। वाराणसी में मिला 7.5 करोड़ की नकली दवाओं का गोदाम, एसटीएफ ने पकड़ी 300 पेटी नकली ब्रांडेड पेंटेंट दवा। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद पर दर्ज मुकदमा निरस्त, 2019 में चुनाव प्रचार के दौरान सीएम योगी पर की थी टिप्पणी। सीएम से मिले भाकियू अध्यक्ष, फिरोजाबाद में बोले किसान आयोग को लेकर केंद्र से वार्ता करेगी प्रदेश सरकार। रायबरेली में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, 17 लोग घायल, 3 की हालत गंभीर, जिला अस्पताल में रेफर किया गया। अप्रैल से शुरू होगी उत्तराखंड की पहली हेली एम्बुलेंस सेवा, पीएम मोदी कर सकते हैं उद्घाटन। उत्तराखंड के सीएम धामी का बड़ा ऐलान, बोले समूह ग समेत सभी तकनीकी व गैर तकनीकी पदों पर अब नहीं होंगे इंटरव्यू। उत्तराखंड में विधायकों के विकास कार्यों के 10-10 प्रस्ताव पर बजट सत्र के बाद शुरू होगा काम, सीएम लेंगे बैठक। उत्तराखंड के पूर्व भाजपा नेता धारीवाल के घर कुर्की का नोटिस, जसपा 3 मार्च तक पेश होने के निर्देश। उत्तरकाशी में मकान में लगी भीषण आग से मची अफरा तफरी, फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने खारिज किया 8 आरोपियों की जमानत याचिका, पेपर लीक को बताया समाज विरोधी कृत्य। उत्तराखंड में खनन सामग्री से भरे डंपर से हुई कार की टक्कर, सहकारी समिति के चेयरमैन की मौत। उत्तराखंड में 2 बुजुर्गों के घुटने का हुआ प्रत्यारोपण, सुविधा देने वाला उत्तराखंड का पहला सरकारी अस्पताल। उत्तराखंड में नैनी सैनी से 4 मार्च से शुरू होगी पहली हेली सेवा, पंतनगर और देहरादून जाने वाले लोगों को मिलेगी राहत। उत्तराखंड के मंदाकिनी नदी में डूबने से पॉलिटेक्निक के छात्र की मौत, 2 बहनों का था इकलौता भाई। उत्तराखंड में 1 महीने के लिए टला संकट, केंद्र से मिलती रही 300 मेगावाट अतिरिक्त बिजली। देहरादून में पुरानी पेंशन के लिए 1 मई को सांसद मार्च, संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर एकजुट होंगे देश भर के कर्मचारी। उत्तराखंड में 7 जिलों में अगले 24 घंटे में बारिश बर्फबारी के आसार, येलो अलर्ट जारी। चारधाम यात्रा के लिए 1.63 लाख तीर्थयात्री करा चुके पंजीकरण, 15 मार्च के बाद शुरू हो सकती है ऑनलाइन पूजा की बुकिंग। रैली में पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी, बोले नकल विरोधी कानून लाना बड़ा कदम, विपक्ष पर साधा निशाना। प्रिंस हैरी मेगन को शाही महल से किया गया बेदखल, शादी में महारानी एलिजाबेथ ने दिया था गिफ्ट।
अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान के विशेष प्रतिनिधि ने दिया इस्तीफा, निजी कारणों का दिया हवाला। पाकिस्तान ने करतारपुर कॉरिडोर के लिए नियुक्त किया पहला राजदूत, सरदार रमेश सिंह को दी गई जिम्मेदारी। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को घेरा, कहा आतंकियों को पनाह देने वाले देश जवाबदेह ठहराए जाएं। अमेरिका ने की यूएनएससी में बदलाव की पैरवी, कहा बाइडेन सरकार में ऐसा कोई नहीं जो परिवर्तन नहीं चाहता। रूस के जंगल में गर्लफ्रेंड के साथ रह रहे पुतिन, जिम्नास्ट एलिना कबेबा के लिए सोने का महल बनवाया। बाइडेन ने दो भारतीय मूल के लोगों को अपॉइंटमेंट किया, पुनीत रंजन और राजेश सुब्रमण्यम एक्सपोर्ट काउंसलिंग में शामिल। ब्रिटिश विदेश मंत्री ने बीबीसी टैक्स का मुद्दा उठाया, जयशंकर बोले भारत में काम करने वाली संस्था को कानून का पालन करना होगा। नॉर्थ कोरिया में हॉलीवुड फिल्में बच्चों के लिए बैन, किम का आदेश, फॉरन शो देखा तो बच्चे पेरेंट्स जेल जाएंगे, मजदूरी भी कराई जाएगी। अमेरिकी विदेश विभाग ने दी चेतावनी, टीटीपी का लक्ष्य पाकिस्तान सरकार को खैबर पख्तूनख्वा से बाहर करना। सुप्रीम कोर्ट ने अडानी केस में एक्सपर्ट कमेटी बनाई, नंदन नीलकेड़ी समेत 6 मेंबर, इनमें 3 रिटायर्ड जज। देश में फरवरी में बेरोजगारी दर बढ़कर 7.45% हुई, राजस्थान हरियाणा में बेरोजगारी सबसे ज्यादा। देश में तेजी से बढ़ा कंज्यूमर स्पेंडिंग, जनवरी में व्हीकल लोन की मांग 25%, होम लोन की 15% बढ़ी। रतन टाटा और सचिन तेंदुलकर से मिले बिल गेट्स, चाइल्ड हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक और न्यूट्रिशन को लेकर बात कही। फरवरी में 1.49 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्शन, इसमें से सालाना आधार पर 12% की बढ़ोतरी हुई है। सीपीआर का एफसीआरए लाइसेंस सस्पेंड, फंडिंग नॉर्म्स के उल्लंघन का आरोप, अक्टूबर से दिसंबर 2022 के बीच 10.1 करोड़ रुपए रिसीव हुए। सौ किलोमीटर की रेंज वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च, एंटी थेम्प्ट अलार्म और लाइव ट्रैकिंग जैसे फीचर से लैस है राइडर सुपरमैक्स। आईसीसीआई, बीओआई व बंधन के कर्ज होंगे महंगे, आरबीआई के अप्रैल में भी बढ़ा सकता है रेपो दर। रूसी तेल की बढ़ी मांग, पिछले महीने की तुलना में 28% ज्यादा हुआ आयात। दीपेंद्र गोयल ने अर्बन कंपनी के बोर्ड से दिया इस्तीफा, अब खुद होंगे होम सर्विस सेगमेंट में उतरने को तैयार। ऑस्ट्रेलिया 197 रन पर ऑल आउट, 88 रन की बढ़त, अश्विन उमेश को आज 3-3 विकेट मिले। नॉर्थन लियोन ने तोड़ा शेन वॉन का 17 साल पुराना रिकॉर्ड, चेतेश्वर पुजारा का 12वीं बार किया शिकार।
एक बार फिर शर्मिंदा हो सकती है बीसीसीआई। इंदौर पिच को भी औसत रेटिंग मिलने पर बढ़ा खतरा। मुंबई इंडियंस को मिली बड़ी राहत, पूरे सीजन के लिए उपलब्ध रहेंगे जोफ्रा आर्चर। बुमराह को आईपीएल से बाहर हो चुके हैं। ईरानी कप के पहले दिन दिखा यशस्वी जायसवाल का तूफान, दोहरा शतक जड़कर तोड़ा रिकॉर्ड। सर्जरी के लिए जाएंगे न्यूजीलैंड, जोफ्रा आर्चर की सर्जरी करने वाली डॉक्टर सर्जन रोवन शटडाउन करेंगे ऑपरेशन। हरमनप्रीत कौर बनी मुंबई इंडियंस की कप्तान, डब्ल्यूपीएल में चार टीमों की लीडर तय। कौर को 96 मैचों में कप्तानी का अनुभव। अश्विन बने टेस्ट में दुनिया के नंबर वन गेंदबाज, जेम्स एंडरसन को पीछे छोड़ा टॉप 10 में तीन भारतीय। उमेश यादव ने टेस्ट में विराट कोहली के इस रिकॉर्ड की बराबरी की, युवराज और रवि शास्त्री जैसे दिग्गजों को छोड़ा पीछे। रविंद्र जडेजा ने गवा दिए लगातार दो डीआरएस, कप्तान रोहित शर्मा का मैदान पर फूटा गुस्सा। शाहरुख की पत्नी के खिलाफ लखनऊ में दर्ज हुई एफआईआर, गौरी खान पर लगा धोखाधड़ी का आरोप। इन्फ्लुएंजा बी वायरस के चपेट में आई देवीना बनर्जी, स्पोकर्स पर्सन ने स्टेटमेंट जारी कर दी जानकारी, कहा वो रिकवर कर रही हैं। प्रोड्यूसर किसी एक्टर से बड़ा नहीं हो सकता, शैलेश लोढ़ा ने बताई तारक मेहता का उल्टा चश्मा छोड़ने की वजह। नवाजुद्दीन और इरफान के बीच हुए विवादों से उठा पर्दा, नवाज के भाई का दावा इरफान की करीबी से हुआ था नवाज का अफेयर। शाहिद कपूर को अच्छी नहीं लगती अपनी चॉकलेट बॉय वाली इमेज, बोली मुझे क्यूट शब्द नहीं पसंद। मनोज वाजपेयी की पत्नी को देख चौके फैंस, गुलमोहर की स्पेशल स्क्रीनिंग में पहुंची नेहा तो यूजर्स बोले ये तो शनाया कपूर जैसी दिखती हैं। फिर रू बाबा बनकर हंसाते डराते नजर आएंगे कार्तिक आर्यन, भूल भुलैया 3 का टीजर रिलीज। ऑस्कर अवार्ड में पहले अमेरिका में आरआरआर का जलवा, लॉस एंजलिस में दुनिया की सबसे बड़ी स्क्रीनिंग कल। जिम में एक्सरसाइज करती दिखे मुमताज, 75 साल की उम्र में क्या इंटेंस वर्कआउट, वीडियो देख फैंस ने की तारीफ। कपिल शर्मा के जुगेटियो का ट्रेलर रिलीज हुआ, डिलीवरी बॉय का रोल निभाएंगे, रेटिंग के चक्कर में पिस से दिखे कॉमेडियन। शतक में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए